तो गाइस यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो कार्टून वीडियो बना के ढेर सारे उससे जो इनकम है जनरेट कर रहे हैं, और अगर आप भी करना चाहते हो वैसी इनकम जनरेट तो आज का वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में गाइस हम लोग मोटू पतलू का कार्टून किस तरह से बना सकते हो वो देखने वाले हैं, क्योंकि मोटू पतलू गाइस छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो किस तरह से छोटे मोटू पतलू का जो कार्टून है गाइस उसे हम एडिट कर सकते हो, बना कर उसको यूट्यूब पर अपलोड करके पैसे कमा सकते हो, वो पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। और इधर गाइस मैं खुद आपको एक वीडियो जो है उसको एडिट करके दिखाऊंगा, उसे कैसे करना है किस तरह से करना है, वो भी बिना कॉपीराइट स्ट्राइक आए। ठीक है गाइस, आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी अगर मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही आप करते हो तो। ठीक है, बिल्कुल भी इधर गलती आपको नहीं करनी है गाइस, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। बिल्कुल भी इस वीडियो को गाइस स्किप नहीं करना, अगर स्किप करते हो कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है और आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो गाइस आपकी वीडियो के ऊपर जो है कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम आ सकता है। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। और गाइस चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले गाइस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मोटू पतलू गेम डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इधर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का गेम है गाइस, इसको आपको प्ले करना है और इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है गाइस आपको कर लेना है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है गाइस, आपको कर लेना है। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ, आपको बस गेम उधर खेलना है गाइस और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो कर लेनी है। तो इतना तो गाइस आप कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो आपको आते ही होगा। अब उधर हम सीधा उस गेम की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको ले लेते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से गाइस। ठीक है, अब क्या करना है गाइस, सिंपली इसको हमें जूम आउट करना है। ठीक है, यानी पैन इन जूम करना है कुछ इस तरह से गाइस, दिखेगा फिर ये हो गया गाइस इतना। अब इसको इक्वल टू कर लेना है, उसके बाद हर 10-15 सेकंड के बाद इसके ऊपर आपको कट लगा देना है, लेकिन उससे पहले गाइस इसकी जो वॉइस है उसको पूरी तरह से म्यूट कर देना है कुछ इस तरह से, या फिर पूरा ज़ीरो कर सकते हैं। अब इतना हो गया गाइस, अब आपको क्या करना है गाइस, इसको हर 10-15 सेकंड के बाद स्प्लिट कर देना है कुछ इस तरह से। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, तो ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाऊंगा गाइस, थोड़ा सा दिखाने के लिए 1-30 सेकंड का बना देता हूँ मैं इधर। ठीक है, बाकी का गाइस जो है उसको डिलीट कर देते हैं, इसी तरीके से आपको आगे करते जाना है। तो अब इतना हो गया गाइस, आपको करना क्या, हर एक लेयर को गाइस थोड़ा बहुत पैन एंड जूम करते हुए आपको ये करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से गाइस। तो अब देख सकते हो गाइस एक किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो अब दूसरी स्टेप क्या गाइस, इधर आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है और यहाँ से गाइस इसको वॉइस ओवर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको, अब इस कैरेक्टर का नाम क्या था गाइस, कुछ चिंगम कर गया, सिंगम करके कुछ था, तो चलिए मैं वे कुछ करके दिखाता हूँ आपको। ये रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको मैं अभी मोटू पतलू को बुलाता हूँ, रुको तुम कहाँ जा रहे हो, मोटू मोटू पतलू बचाओ, हेल्प करो, मोटू मोटू पतलू पतलू, आइडिया आइडिया मोटू पतलू, चलो चलो उसका पीछा करते हैं। तो गाइस मेरे को इतना ज़्यादा भी वॉइस ओवर अच्छा करना नहीं आता, लेकिन कुछ हद तक मैंने आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप खुद अच्छे से इधर वॉइस ओवर कर लेने, चलो अभी इसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको मैं अभी मोटू पतलू को बुलाता हूँ, रुको तुम कहाँ जा रहे हो, मोटू तो इस तरह से आप जो मोटू पतलू का जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो। और इसमें गाइज आपको इधर साइड में जो साउंड इफेक्ट्स है वो गरा हुए वो भी मिल जाएगी, वो भी फ्री में। ठीक है, गेट म्यूजिक के ऊपर जाके गाइज इधर आपको अलग अलग जो साउंड इफेक्ट्स है वो भी मिल जाएंगे, वो उसको गाइज बीच बीच में डाल देना, जैसे जैसे उनके एक्शन होते हैं वैसे इसको इसमें डाल देना, एक अच्छी सी वीडियो इधर एडिट हो जाएगी आपकी। उसके बाद बस आपको गाइज ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, उसके बाद डायरेक्टली जो गाइज आप वीडियो है उसको यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो, आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा गाइज। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है, एक गेम है, और इसकी वजह से गाइज आपको ज़्यादा कॉपीराइट नहीं आएगा बिल्कुल भी। जो साउंड है गाइज उसको आपको रिमूव कर लेना है, खुद की वॉइस ओवर करना है, और हर जगह पे गाइज जैसे मैंने आपको बोला हर 5-10 सेकंड बाद, 10-15 सेकंड बाद आपको कट लगा देने और उसको जूम कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से गाइज अगर आप करते हो तो आपको बिल्कुल भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा और एक ओरिजिनल जो वीडियो वो लगेगा, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एक ओरिजिनल वीडियो लग रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरह से गाइज आप कट वीडियो एडिटिंग कर सकते हो मोटू पतलू वाली,
और उससे ढेर सारे जो पैसे है कमा सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, उस गेम में अलग अलग जो कैटेगरी आपको मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग एडवेंचर उधर मिल जाएगा, तो अलग अलग तरीके से उसको शूट करके ढेर सारी जो इनकम है जनरेट कर सकते हैं, मतलब ढेर सारी वीडियो बना सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।